तिलक भारद्वाज, हथनीकुंड बैराज से आपको क्या इनपुट मिल रहा है? जो पानी छोड़ा गया उसकी टाइमिंग क्या है और दिल्ली कब तक पहुंच सकता है? क्या और भी पीछे से फिर पानी छोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी राहत की खबर है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम लोग हथनीकुंड बैराज पर खड़े हैं और सायरन बज चुका है, दोबारा से ये शटर जो बंद हो चुके थे दोबारा खुलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हथनीकुंड बैराज पर कुछ देर पहले ये शटर बंद हुए थे क्योंकि यहाँ पर पानी की जो कमी पीछे से खली थी, 70,000 क्यूसिक पानी महज रह गया था और जो यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर, जहाँ वर्धन नहर या फिर उत्तर प्रदेश को दिए जाने वाली पानी की सप्लाई थी उसको चालू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इन शटरों को पहले बंद किया गया। अब एक संदेश आया है, अभी जो सायरन बजा है उसका ये संदेश है कि कुछ देर के बाद ये शटर खुलेंगे और फिर से जो पानी है वो दिल्ली की तरफ जाएगा। एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो तबाही की है, क्योंकि यमुना में कल ठीक 1 बजे 1,69,000 क्यूसिक जो पानी था वो छोड़ा गया था और तस्वीर आप देख सकते हो, ये कई टन के जो पत्थर है पानी में तिनके की तरह बहे थे और काफी दूर तक का ये नजारा है। और जैसे ही ये पानी कम हुआ तो यहाँ पर लोग कुछ मछली पकड़ने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी निकालने के लिए आए हैं, लेकिन तस्वीर को देख आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर यमुना का किस प्रकार रौद्र रूप रहा होगा। लेकिन कुछ देर पहले ही एक राहत की खबर मिली थी, लेकिन अब फिर से एक संदेश आया है कि पानी फिर से पहाड़ों पर जो जमकर बरसात हुई है उसके चलते फिर से पानी जो और है वो हथनीकुंड बैराज पर पहुंच रहा है और यही पानी अब फिर से इन शटरों के द्वारा दिल्ली की तरफ छोड़ा जाएगा। ठीक है तिलक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए सायरन बज चुका है यानी कि और पानी छोड़ा जाना है, यानी कि मुसीबत दिल्ली की तरफ बढ़ रही है क्योंकि पहाड़ों का पानी हथनीकुंड बैराज पहुंच रहा है। वहां से हर साल की तरह पानी रिलीज किया जाता है, जो दिल्ली पहुंचता है यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास आसिफ स्वाब, आपको नजर आ रहे हैं आसिफ, न सिर्फ मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके बुरी तरीके से खतरे में है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए, आप अभी नदी के किनारे हैं, क्या स्थिति अभी ताजा? और एक मिनट आसिफ, कुछ कहना चाह रहे हैं अतिलक, बोलिए जल्दी से, शायद पानी छोड़ दिया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पानी फिर से छोड़ दिया गया है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आप News 24 पर, हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां देख सकते हैं कि मछली पकड़ रहे हैं। यह अभी एक शटर खोला है, कुछ देर के पहले ही सायरन बजा था और ठीक उधर अगर पहली तरफ मैं बात करूं तो लगभग 8 शटर जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से वो खोल दिए गए हैं, जबकि ये 7 हैं, लोग यहाँ से मूव करना शुरू कर गए हैं जो मछली पकड़ने आए थे, क्योंकि एक इशारा हुआ था कि कुछ देर के बाद पानी छोड़ दिया जाएगा। और नजारा फिर से आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए पानी किस प्रकार यहाँ से निकलना शुरू हो गया, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं क्योंकि हम लोग हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हैं और ये तस्वीर हमारे दर्शक जो है वो देख रहे हैं कि किस प्रकार हथनीकुंड बैराज से ये पानी जो है दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, क्योंकि महज 70,000 क्यूसिक पानी अभी फिलहाल रह गया था लेकिन अब पानी पीछे से फिर आया है और यहाँ से पानी फिर दिल्ली की तरफ छोड़ा जाना शुरू हो गया है। जी एक्सक्लूसिव तस्वीरें News 24 आपको तिलक के माध्यम से दिखा रहा है, तिलक खुद वहां पर हथनीकुंड बैराज पर मौजूद है और ये देखिए पानी एक बार फिर से रिलीज हो रहा है। तिलक, क्या किस तरीके से प्रोसेस रहता है? अभी शायद पूरी तरीके से शटर उठा नहीं है, धीरे धीरे पानी निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे जो पानी की मात्रा है काफी ज्यादा होती है और ऐसे में अचानक से ये शटर नहीं खुलते क्योंकि एक सायरन बजा था और हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर जमा पे सट जाते हैं जब पानी कम होता है, क्योंकि यहाँ से लकड़ी भी पकड़ते हैं और मछली निकालने का भी, लेकिन अब ये एक इशारा था सायरन बजने का कि लोग जो हैं जमुना को खाली कर दें क्योंकि यहाँ से पानी की जो रफ्तार है वो काफी तेज रहती है। हमने दर्शकों को भी कल भी ऐसा कुछ दृश्य दिखाए थे कि जमुना की जो रफ्तार है कितनी तेज होती है और ये भारी भरकम जो पत्थर है ये कैसे पानी में तिनके की तरह बहते हैं।